कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट आपका कि आप शॉर्ट टाइम में हमने बुलाया आपको और आप आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड 19 की जो दूसरी वेव जब शुरू हुई तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने रिक्वेस्ट की सारी ऑर्गेनाइजेशन से वॉलंटरी क्राउड कम करने के लिए कुछ करिए। उसी के तहत देखते हुए हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने टाइमिंग जो शेड्यूल है वो कम किया। सुबह 9 बजे दुकानें खुलेगी और शाम को 6 बजे बंद होंगी। उसके बाद असेंशियल सप्लायर होने के नाते हमें हफ्ते भर काम करने का मौका दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का हम इसका धन्यवाद करते हूँ, लेकिन एक जिम्मेवारी नागरिक, एक जिम्मेवारी फेडरेशन होने के नाते कोविड 19 की वेव को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, इसके लिए हमने आज अपने सीनियर मेंबर की मीटिंग बुलाई थी। ऑफिस बेरर भी थे उसमें और हमने ये आज तय किया है कि हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट वीकेंड लॉकडाउन जो है करेगी और हर सैटरडे और संडे को हमारी वेयर हाउस मार्केट जो है बंद रहेगी। और इसी के कोशिश की है हमने कि हम जो है जो कोविड 19 की जो दूसरी वेव है उसको हम ख़त्म करने में सफल हो सके, इसके लिए हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। और इस चीज़ का भी हमने पूरा ध्यान रखा है कि जो असेंशियल सप्लाई है वो हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी प्रोविंस, पूरे कश्मीर प्रोविंस में पूरी भेजी है और पर्याप्त रूप से जो हमारी सप्लाई है वो कमी नहीं हम होने देंगे, ये भी सरकार को हम आश्वासन दिलाते हैं। और एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने ये डिसाइड किया है हम वीकेंड लॉकडाउन करेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे को हमारी मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी और 1 महीने तक, जो जब तक हालात ठीक नहीं होते तो हमारा वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।